हेलो। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, मैं जमील बोल रहा हूँ जी, क्वीन से। और हजरत से सवाल, मैंने अपनी नमाज की जो कैफियत हैं उनके बारे में पूछना है। कुछ दिनों से मेरी जो नमाज जो है, एक तो जो है मिस हो गई मसरूफियत की वजह से, और उसमें पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो मुझे बहुत उसका दुख और तकलीफ है। एक तो हजरत मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला फिर मुझे इस तरह शैतान के चुंगल में ना दे, और मुझे तो इसके लिए दुआ भी बताएं, और इसके अलावा मुझे बताएं कि इस तरह की सूरत हाल से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है। जजाक अल्लाह। बहुत अच्छा। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको ये एहसास पैदा होना, ये एहसास नदामत, ये खुद ईमान की अलामत है। ज़ाहिर है कि मोमिन से जब थोड़ी बहुत लर्जिश होती है तो उसके अंदर एहसास नदामत जो पैदा होता है, तो ये भी ईमान की अलामत है, ईमान का शोबा है। तो ये मुबारक कैफियत है कि आपको ये एहसास नदामत हो रहा है। और मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला नफ्स शैतान के मकर और कैद से महफूज रखे। और बाकी ये कि आप भी अपने तौर पे एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की रोज़ाना पढ़ें, 11 दिन तक इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, और अल्लाह से माफ़ी और तौबा करते रहें कि आइंदा इस किस्म की कोई कोताही ना हो। ज़ाहिर है कि नमाज जो है ना, वो तो ऐसा जुज़्वे ईमान है कि इसके बारे में ये सोचना कि या ये नसीहत करना कि जो पढ़नी चाहिए इसकी भी ज़रूरत पेश नहीं आती। ये तो इंसान के खाने और पीने से भी मुकद्दम है। इंसान खाने पीने में हो सकता है कि दुनियावी मशाक की वजह से नागा कर दे, आगे पीछे कर दे, लेकिन नमाज में तो उसकी भी गुंजाइश नहीं है। नमाज इंसान की रूह की गिज़ा है, जिससे इंसान की जिस्मानी सेहत की कुव्वत और तंदुरुस्ती भी अता होती है, और अल्लाह तबारक व ताला की खास रहमत जो है वो मुतवज्जे रहती है। इसलिए नमाज के सजदे, ये तो एक ऐसी अक्सीर नुस्खा है। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह जैसा आदमी कितना बड़ा मुतबहर आलिम है कि लिखा है कि जब वो किसी मसले में उलझते थे, किताबें फरोल रहे हैं, हवाले देख रहे हैं, हदीसें टैली कर रहे हैं, और खूब उसके अंदर जो है वो गोता जन है वो इलम की दुनिया में, लेकिन जब देखे बेबस हो गए, कुछ समझ में नहीं आते, तो आखिर में कहता मैं सजदे में गिर जाता था, सजदा रेज हो जाते थे, रब्बे कायनात अब तू मेरी रहनुमाई कर, मैंने तो अपना सारा जोर लगा लिया, ये मैदान इल्म अमल में मैंने जो है वो सारे गोते लगाए, मुझे तो इसके कोई कोई राह नजर नहीं आ रही, कोई जो डोर का सिरा नजर नहीं आ रहा, आखिर में थक के सजदे में गिर के खुदा के आगे हाथ रहा। तो सजदा तो वो चीज़ है कि सारी विजदानी और इल्मी कैफियत का जो है दरवाजा खोलता है, तो सब चीजें खुलती हैं। तो इसलिए नमाज तो आपके कामों के जो मशागिल हैं उसकी बरकत और उसके अनवारात जो है, या उससे जो नफा, इस नमाज की वजह से मिलना है। इसलिए ये तो आइंदा के लिए बांध लें कि आइंदा ऐसी की कोताही नहीं होगी, कुछ भी होगा काम थोड़ा सा हटा के नमाज पढ़ूंगा। तो बाकी मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आइंदा इस किस्म की आजमाइश में मुबतला करने से महफूज रखे। नाज़रीन, जैसा कि हज़रत ने बताया, नमाज की अहमियत हज़रत ने बयान फरमाई। इंसाब की सवाल के नतीजे में अल्लाह ताला सबको नमाज का पाबंद बनाए, और जिस तरह से हज़रत फरमा रहे हैं कि हमारे दीन का ऐसा जुज़्व है कि ये बिल्कुल रूह के साथ जुड़ा हुआ है, अल्लाह ताला सबकी ये कैफियत बना दे।